नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और आप देख रहे हैं आपका फैसला। ऐतिहासिक एवं धार्मिक गांव मलाना में जो है कल रात को भयंकर अग्निकांड हुआ। इस बार जो है वहां पर 16 मकान जलकर राख हो गए हैं। सुबह 4 बजे तक जो है जिला प्रशासन की पूरी टीम वहां पर पहुंच चुकी थी और काफ़ी कंट्रोल में आग को लाया है। बताया जा रहा है कि यदि प्रशासन की टीम वहाँ ना पहुँचती तो ये अग्निकांड जो है और ज़्यादा बढ़ सकता था और ज़्यादा नुकसान हो सकता था। हम आपको बता दें कि वर्ष 2008 में भी जो यहाँ पर जो है भयंकर अग्निकांड हुआ था। पहली बार मलाना में जो है ये अग्निकांड हुआ था और 100 मकान से अधिक जल गए थे और सारा पुरातन इतिहास, वहाँ का धार्मिक इतिहास सब कुछ जलकर राख हो गया था। उसके बाद फिर से वहाँ के लोगों ने प्रयत्न किया था उसी इतिहास को जुटाने का, उसी परंपरा का, उसी शैली को वहाँ पर सजाने का। लेकिन इस बार फिर जो है मलाना गाँव में जो है अग्निकांड हुआ है और 16 मकान जो है वहाँ पर जलकर राख हो गए हैं। हम उधर उपायुक्त कुल्लू ने जो है खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि 16 मकान जो है राख हुए हैं और 150 परिवार वहां पर जो है जो नीले छतरी के नीचे आ गए हैं, बेघर हो गए हैं। मलाना गांव में कल रात को 1 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि वहां पे भयंकर अग्निकांड जो है वो हुआ है और 1:30 बजे के आसपास जो है हमने अपनी जो भी फायर की टीम, होमगार्ड्स की टीम और पुलिस की टीम उनको रवाना करने के निर्देश दे दिए थे और इमीडिएटली हमारी सारी टीम्स सारा का सारा उनका जो भी इक्विपमेंट्स और रिसोर्सेज उन्हें चाहिए थे वो लेकर ये सारी टीम्स हमारी निकल गई। लगभग 4 बजे के आसपास हमारी फायर की टीम वहाँ पहुँच गई थी और हमारी ये सारी फायर, होमगार्ड्स और पुलिस की टीम ने बहुत अच्छा काम किया। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि मलाना गाँव की कनेक्टिविटी रोड से नहीं है, तो जो भी इक्विपमेंट्स इनको लेके जाने थे, चाहे वो पंप सेट था, चाहे वो पाइप्स थी या वो जनरेटर सेट था, वो सारी चीज़ें जो है इन्होंने स्पैन के थ्रू उनको वहाँ पहुँचाया और लोकली अवेलेबल जो वहाँ पे पानी का सोर्स था उसको ग्रेविटी से स्टोर करके उसके बाद उसको लिफ्ट करके पंप के थ्रू उसको आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया। और उसी वजह से जो शुरुआत में हमें लगा था कि कहीं बहुत सारे घर इस चपेट में आ जाएंगे जिस तरह की आग उस समय लगी हुई थी, पर फॉर्चुनेटली इन सब टीमों के और जो गांव के लोकल लोग थे उन सब के सहयोग से जो है इसको कंट्रोल किया गया और कुल मिलाकर 16 घर इसकी चपेट में आए हैं जिनका नुकसान हुआ है। कोई भी ह्यूमन लॉस जो है इस ट्रेजडी में नहीं हुआ है। जो एस्टिमेटेड लॉस है जो इन सब लोगों से बातचीत करके हमने अराइव किया है, लगभग 9 करोड़ का नुकसान इन सब घरों का और परिवारों का हुआ है और ऑलमोस्ट 150 लोग इस पूरे अग्निकांड में प्रभावित हुए हैं। प्रशासन की टीम, हम लोग खुद भी वहाँ पे अभी मौका करके आए हैं सुबह और हमारी रेवेन्यू की पूरी टीम अभी वहाँ पे मौजूद है और इसके बारे में वो कंप्लीट डिटेल्स तैयार कर रहे हैं और जो रिलीफ मैनुअल के मुताबिक जो रिलीफ बनता है वो इनको दिया जाएगा। इमीडिएटली फौरी राहत जो है वो भी अभी मौके पे दी जा रही है, उसकी पूरी डिटेल्स हम आप लोगों से बात करेंगे। कुल्लू से आपका फैसला टीवी के लिए धनेश गौतम की रिपोर्ट।